Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Hussain Malik and today our topic of discussion is endocrinology. Basically, इसके अंदर हम बात करेंगे endocrine hormones के ऊपर और हमारे पास इसमें we all know that के endocrine and exocrine दो तरह के हमारे body के अंदर secretion system में आ रहे होते हैं. Endocrinology जो है वो study of hormones secreted by ductless gland. जो endocrine hormones होते हैं या endocrine glands होते हैं, they are ductless. Ductless का मतलब क्या है कि ये जो है इनमें कोई इनका अपनी कोई डक्ट नहीं होती, कोई ऐसा पाथवे नहीं होता जिसके जरिए ये अपनी सिक्रीशंस को जो है वो इंसर्ट कर सके विद इन द यू नो एनी टारगेट सेल. ठीक है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं ग्लैंड्स जो कि अपनी सिक्रीशंस को थ्रू डक्ट रिलीज करते हैं. मिसाल के तौर पे वी नो अबाउट टीयर ग्लैंड, टीयर्स. अब टीयर्स जो है वो डायरेक्टली रिलीज नहीं होते, वो एक ट्यूब है टीयर डक्ट जो कि वहां पे ग्लैंड जो है ना इसको रिलीज करती है. ठीक है, इसी तरह आपके सलेवरी ग्लैंड्स, दे हैव डक्ट्स टू. इनके पास भी डक्ट्स होती हैं जो कि ट्यूब्स होती हैं जो कि टारगेट सेल तक जाती हैं और वहां पे जाके अपनी सिक्रीशन रिलीज करती हैं. ठीक है, तो ये होती है कि डक्ट डक्टलेस एंड डक्ट वाले ग्लैंड. तो जो एंडोक्राइनोलॉजी है, एंडोक्राइन ग्लैंड जितने हैं, मोस्ट ऑफ दीज ग्लैंड्स, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स जो कि बॉडी के अंदर वर्क कर रहे होते हैं और स्पेशली जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है और भी बहुत सारे हैं, दे आर रिलेटेड टू एंडोक्राइन. ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम. हार्मोन कोई भी ऐसा केमिकल जो कि एक सेल से या ग्रुप ऑफ सेल से, कुछ केसेस में क्या होता है कि एक सेल रिलीज कर रहा होता है हार्मोन और कुछ केसेस में ये होता है कि ग्रुप ऑफ सेल मिलके एक हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं और एंड अफेक्ट अदर सेल और ग्रुप ऑफ सेल, और ये आगे अफेक्ट करेगा अदर सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स को. सिंपली इन केस पेंक्रियाज है, वहां से ग्लूकागोन रिलीज होता है तो उसके अल्फा सेल रिलीज करते हैं ग्लूकागोन. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स है, अल्फा सेल्स बहुत सारे सेल्स हैं, एक सेल भी ग्लूकागोन रिलीज कर रहा है, आगे वो अफेक्ट करेगा अदर सेल्स को. अदर सेल्स कौन से? मसल्स हैं. ठीक है, ब्लड सेल्स हैं, डिफरेंट मसल सेल्स हैं, हर वो सेल जिसको ग्लूकोज चाहिए तो वहां पे ग्लूकागोन या इंसुलिन ये काम करेंगे. तो एक सेल से प्रोड्यूस होकर दूसरे सेल में ये अपना फंक्शन रोल प्ले करते हैं. लोकल हार्मोन, अब कुछ हार्मोन के टाइप्स भी हैं. लोकल हार्मोन द हार्मोन दैट एक्ट ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस. बहुत सारे हार्मोन ऐसे हैं जो कि अपनी ही साइट जहां वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वहीं वो एक्शन करते हैं. लाइक एसिटाइल कोलाइन न्यूरो ट्रांसमीटर है. न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है कि ये न्यूरोनल जो सिग्नल है उसको ट्रांसफर कर रहा है. प्रोड्यूस एंड एक्ट एट नर्व एंडिंग, यानी कि क्या हो रहा है कि दो न्यूरॉन्स आपस में एक का एंड दूसरे के स्टार्ट के साथ मिला होता है. यू नो दैट कि एक्सोन जो है, एक का एक्सोन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट डेंड्रोन के साथ एक लिंक बनाता है. अब एक जगह वहां उसी एक मतलब वो दोनों अटैच नहीं होते, जो एक का एक्सोन और दूसरे का डेंड्रोन है उनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस होती है. तो वो जो सिग्नल ट्रांसफर होना होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर. एक जगह से प्रोड्यूस हुआ, दूसरी जगह पे एक्ट किया, उसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर वो काम कर रहा है. तो इसको कहते हैं कि ये लोकल हार्मोन है, यहीं प्रोड्यूस हुआ, यहीं काम एक्शन कर रहा है. ठीक है, सिक्रेटिन है, पेंक्रियाटिक स्टिमुलेटर है. सिक्रेटिन क्या है? बेसिकली ये हार्मोन है जो कि पेंक्रियाटिक स्टिमुलेटर है, ड्यूडिनम में रिलीज होता है और यहाँ पे पेंक्रियाटिक एंजाइम को स्टिमुलेट करता है. अब सिक्रेटिन प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है? विद इन ड्यूडिनम, और यहीं इसका एक्शन हो रहा है. ठीक है, किन पे एक्शन कर रहा है? कि जो पेंक्रियाज ने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज किए हैं, वी नो दैट कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका जो पहला पार्ट है ड्यूडिनम, वहाँ पेंक्रियाज अपने एंजाइम्स रिलीज करता है. ठीक है, टू गेट टू स्टार्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन लाइक प्रोटीएजेस. ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइड, डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो सॉरी डिफरेंट एंजाइम रिलीज किए जाते हैं. उनमें एक उनके साथ एक और सिक्रीशन आती है, दैट इज सिक्रेटिन, जो कि ड्यूडिनम में प्रोड्यूस होती है. अब यहाँ प्रोड्यूस हुई और यहीं पे ये एक्शन कर रही है तो ये लोकल हार्मोन है. देन वी हैव कोलेसिस्टोकाइनिन, ये बाइल स्टिमुलेटर है, ये भी ड्यूडिनम में प्रोड्यूस होता है और बाइल ड्यूडिनम में आएगी. अब कोलेसिस्टोकाइनिन यहीं प्रोड्यूस हुआ, यहीं एक्शन करेगा ऑन द बाइल और इस वजह से इसको भी हम लोकल हार्मोन का नाम देते हैं. देन हैव जनरल हार्मोन, दे एक्ट ऑन द साइट दैट इज फार अवे फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन. ये उन साइट्स पे काम करते हैं जो कि उनकी प्रोडक्शन साइट से दूर है. ठीक है, और इनके आगे दो टाइप्स हो सकती हैं. पहली हार्मोन डेट अफेक्ट ऑल बॉडी सेल लाइक ग्रोथ हार्मोन एंड थायरॉयड हार्मोन. कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो कि तकरीबन तमाम सेल्स पे काम करते हैं. ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन हर सेल के ऊपर इसका रिसेप्टर मौजूद होता है. अगर रेड ब्लड सेल पे जाके अटैच करेगा उसकी ग्रोथ करवा देगा, मसल सेल पे जाके अटैच करेगा तो मसल सेल की ग्रोथ करवा देगा. ठीक है, किडनी सेल पे जाके अटैच करेगा तो किडनी सेल की ग्रोथ करवा देगा. तो जनरल हार्मोन में पहली टाइप क्या है?
कि वो हार्मोन जो कि तमाम के तमाम सेल्स पे जिनके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, दूसरे जो हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, लेकिन साइट ऑफ प्रोडक्शन से दूरी हैं, लेकिन उनका काम स्पेसिफिक है, लाइक ACTH, ओवेरियन हार्मोन, इसके अलावा आपको इंसुलिन का पता है, आपको ग्लूकागन का पता है, दे हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, हर जगह पे ये जाके काम नहीं कर सकते, ठीक है। ओवेरियन हार्मोन दे विल ओनली एक्ट ऑन ओवरीज, ठीक है, उसके अलावा वो कहीं और जाके अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। टारगेट, टारगेट क्या होता है कि वो सेल या वो ऑर्गन जिस पे हार्मोन ने जाके अटैच करना है। अब हार्मोन बेसिकली अटैच किस तरह करेगा कि जो भी टारगेट सेल होता है उसके ऊपर रिसेप्टर मौजूद होते हैं, तो हार्मोन आएगा उस पर अटैच करेगा और उसकी वजह से उस सेल के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है, जिसको वो सेंस करता है कि भाई चेंज आई है, देर इज सम चेंज, और फिर उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स शो करता है। तो टारगेट विल बी एनी स्पेसिफिक सेल, एनी ऑर्गन जो कि रिस्पॉन्स शो करेगा या जिस पे हार्मोन जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शन ऑफ हार्मोन डिफरेंट है, बहुत सारे जो है वो मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो हार्मोन कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको कल भी बताया था कि दो स्टेजेस होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, यानी किसी भी चीज का बॉडी में टूटना कैटाबॉलिज्म है, और उस टूटी हुई चीजों से किसी नई चीज का बनना एनाबॉलिज्म है, ठीक है। एनर्जी का टूटना कैटाबॉलिज्म है, एनर्जी का बनना, एटीपी का बनना एनाबॉलिज्म है, तो इट इज टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म। और इन सारों में कहीं ना कहीं हार्मोन्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, लाइक जो केमिकल रिएक्शन का रेट है, बॉडी के अंदर आपके केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, यू नो दैट, एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, उसके अलावा और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उनमें उनका रेट, वो कितनी स्पीड पे काम करेंगे, वो भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल T3 और T4 जो है वो बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन को तेज करते हैं। वी नो दैट कि अगर किसी में हाइपर थायरॉयडिज्म हो, किसी में थायरॉयड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होते हों, तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। कहते हैं जो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, खाना खाता है साथ ही उसको जो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, और उसके जिस्म को लगता नहीं है, ठीक है, जिस तरह मेरा जिस्म है। तो ये क्या स्टेज, किस तरह की स्टेज होती है हाइपर थायरॉयडिज्म की, थायरॉयड इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो इस वजह से इन लोगों का वेट खाने के बाद भी नहीं बढ़ता। इसी तरह अगर थायरॉयड की सिक्रेशन कम हो तो उस केस में क्या होगा कि ड्यू टू लो सिक्रेशन वहां पे जो है अपना क्योंकि अब मेटाबॉलिज्म को करना, तो मेटाबॉलिज्म होगी स्लो, मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब है कि एनर्जी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होगी, एंड ड्यू टू लो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बॉडी, अगर लोग थोड़ा सा भी खाएंगे तो वो एनर्जी रिजर्व की तरफ जाएगी, स्टोर होने की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से इनका जो वेट है वो गेन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो ट्रांसपोर्टेशन होनी है मटेरियल की वो ये करवाते हैं, जिस तरह इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के अपटेक में हेल्प करता है, सिक्रीशंस हैं गैस्ट्रिक हार्मोन हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यही हार्मोन कई सारे हार्मोन सिक्रीशंस को, यानी कि एक ग्लैंड पे किसी और ग्लैंड पे किसी और ऑर्गन पे वर्क करेंगे और उसकी आगे फर्दर सिक्रीशंस करवाएंगे। लाइक गैस्ट्रिक हार्मोन स्टमक में रिलीज होता है, ठीक है, जी सेल से, जी जी सेल इसको रिलीज करेंगे, ठीक है, और वहीं पे जो है बॉडी के पैराइटल सेल्स आई थिंक होते हैं, आई एम नॉट नॉट 100% श्योर अबाउट इट, हम देख सकते हैं बाद में देख लेंगे इसको, एक स्पेसिफिक सेल्स हैं स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं, तो उनसे उन पे ये एक्ट करेगा और वहां से गैस्ट्रिक जूस रिलीज करवा देगा। तो हार्मोन जो है वो बहुत सारे सिक्रीशन करवाने में भी हेल्प रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा ग्रोथ है, सोमैटोट्रोपिन इज अ ग्रोथ हार्मोन जो कि बॉडी की ग्रोथ के अंदर अपना रोल प्ले करता है। नाउ वी हैव अ डिफरेंस फैक्टर वर्सेस हार्मोन, अ फैक्टर इज अ कंपाउंड दैट एक्ट एज अ हार्मोन बट इज नॉट प्योरिफाइड एंड आइडेंटिफाइड एज डिस्टिंक्ट केमिकल कंपाउंड, अ हार्मोन इज अ फैक्टर दैट इज प्योरिफाइड एंड आइडेंटिफाइड एज डिस्टिंक्ट केमिकल कंपाउंड। होता ये है कि अभी जिस तरह एक रिसर्च कर रहे हो आप, यू आर डूइंग अ रिसर्च ऑन अ स्पेसिफिक सब्सटेंस, आपको एक नया सब्सटेंस मिला जो कि हार्मोन लाइक काम कर रहा है। हार्मोन लाइक काम क्या होता है कि वो किसी भी स्टेप किसी भी एक स्पेसिफिक साइट पे जाता है, वहां पे एक्ट करता है और उसके अंदर चेंजेस लाता है, ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्स जिसके रिस्पॉन्स में कोई ना कोई चेंज आती है, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। अब आपने वो सब्सटेंस देख लिया, लेकिन वो क्या है कि वो कहते हैं कि अभी ये प्योरीफाइड एंड आइडेंटिफाइड नहीं है, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड है। अब आसान अल्फाज में अगर समझें कि चीनी है और नमक है, आपने मिक्स कर दिया, पाउडर्ड फॉर्म में दोनों थी, आपने कर दिया मिक्स, ठीक है, अब आप जब उसको चखोगे तो आपको टेस्ट आएगा नमक का,
आएगा ना बीच में से, चीनी का भी आएगा, नमक का भी आएगा। फर्ज कर ले नमक का टेस्ट आना हार्मोन का एक एक्शन था, तो आपको पता लगा कि कुछ है जो यहाँ पे एक्शन कर रहा है लाइक अ हार्मोन, बट यू हैवेंट आइडेंटिफाइड इट कि ये नमक है या चीनी है, ठीक है क्या है। तो जब तक आइडेंटिफाई और प्योरीफाई का क्या मतलब है, आप उस नमक को पहले आइडेंटिफाई कर लो कि ये नमक है जो कि हार्मोन का काम कर रहा है, उसको आप निकाल के साइड पे रख लो, ठीक है, आइडेंटिफाई करके प्योरीफाई कर लो। प्योरीफाई का मतलब उसमें से चीनी ना हो, तो फिर वो प्योरली बाहर निकाल दें। जब आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और प्योरिफिकेशन हो जाएगी, तो वही फैक्टर, वही सब्सटेंस जिसको हम पहले फैक्टर कह रहे थे, अब वो क्या कहलाएगा, हार्मोन कहलाएगा। पहले वो इम्प्योरिफाई मतलब मिक्सअप मिक्सर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस था, और लेकिन वो अपना काम हार्मोन की तरह ही कर रहा था, ठीक है, बट यू आर नॉट श्योर कि कौन सा हार्मोन है। जब आपने उसको आइडेंटिफाई किया, प्योरीफाई किया, अब नाउ यू आर क्लियर अबाउट दैट स्पेसिफिक सब्सटेंस, तो अब ये हार्मोन जो है कहलाएगा, ठीक हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास डिफरेंट है, हाइपोथैलेमस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी है, एपिफाइसिस है, ठीक है। एपिफाइसिस बेसिकली बोन के स्ट्रक्चर को कहते हैं, वहां से भी आपकी सिक्रेशंस होती हैं, ठीक है। तो अभी तक इनमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ रहे, मैं उतनी देर स्लाइड आगे कर रहा हूँ। नो क्वेश्चन येट, तो जो क्वेश्चन है कोई आप इतना समझ आ गए ताकि हम आगे चलें। हाँ नेक्स्ट वी हैव सिग्नलिंग टाइप्स, तीन तरह की सिग्नलिंग हो सकती है। सिग्नलिंग का क्या मतलब है, यही जो हार्मोन का काम है, ठीक है, जाके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो इनमें एंडोक्राइन है सिग्नलिंग, जो कि अभी हमने देखी कि एक साइट ऑफ प्रोडक्शन कहीं और है और साइट ऑफ एक्शन कहीं दूर है, ठीक, लाइक पेंक्रियास इंसुलिन और यहाँ से निकले और कहाँ किसी और सेल में, जब मसल कहीं मसल सेल मौजूद था वहाँ जाकर अपना एक्शन परफॉर्म किया, तो दैट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग होता है जो नियर बाय सेल को अफेक्ट करती है, मतलब जहाँ पे सेल मौजूद है, जिस मैं अपने कमरे में मौजूद हूँ, तो मैं एक हार्मोन हूँ, मैंने सिक्रेशन की जिसने मेरे रूममेट्स को अफेक्ट किया, मतलब मेरे नियर बाय सेल्स, ये कहलाती है पैराक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है कि मैं अपने आप को स्टिमुलेट करूं, ये भी बहुत सारे केसेस में होता है कि अपनी ही सिक्रेशन, हम जिसको पॉजिटिव फीडबैक भी कहते हैं, कि एक सिक्रेशन की और वो दोबारा से उस चीज को प्रमोट करके मजीद उसी हार्मोन की सिक्रेशन करवाते रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आगे आ भी जाएंगी कि सिनेरियो क्या है, कि मतलब हार्मोन है वो रिलीज हुआ और अब वो खुद ही अपने ही ग्लैंड को स्टिम्युलेट कर रहा है कि और सिक्रेशंस करो और सिक्रेशंस करो, इसको कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। स्टोरेज हार्मोन डिफरेंट हमारे पास मौजूद है, प्रोटीन हार्मोन फाउंड इन ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज प्री प्रो हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन जो हैं जो प्रोटीन की फॉर्म में है वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्ट्रक्चर है, प्री प्रो हार्मोन की फॉर्म में होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन क्लीव देम इनटू प्रो हार्मोन, ठीक है, पहले उसकी सबसे पहले ये प्री प्रो यानी कि जो प्रोटीन हार्मोन है बॉडी के मौजूद है, बॉडी के अंदर प्रोटीन के बने हुए जितने भी हार्मोन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन प्री प्रो हार्मोन की फॉर्म में, ठीक है, जनरली, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्री प्रो पूरा एक नाम है उसका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब इनको क्लीव करेगा तोड़ेगा तो ये बन जाएंगे प्रो हार्मोन, पहले ये प्री प्रो हार्मोन थे अब ये बन गए प्रो हार्मोन। गॉल्जी एपरेटस जो है इस स्ट्रक्चर के ऊपर या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके इर्द गिर्द एक लेयर बना देगा, ठीक है, और जिसकी वजह से ये बन जाएंगे एक्टिव हार्मोन। आपको पता है जब भी एक सेल ने कोई चीज निकालनी है बाहर फेंक अपने से बाहर निकालनी है तो उसके इर्द गिर्द एक लेयर बना के उसको पैक करके भेजता है, ठीक है। तो जो भी हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है
उसका जो एक स्पेसिफिक सेल है लाइक अल्फा सेल, जैसे ना ग्लूकागोन रिलीज कर रहा है, तो अल्फा सेल के अंदर जो है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां ये ग्लूकागोन जब वो प्री प्रो हार्मोन की फॉर्म में मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको प्रो हार्मोन की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद गोल्जी अपैरेटस इसको एक पैकेज वेसिकल की फॉर्म में बना के बाहर रिलीज कर देगा, और ये फिर रिलीज फॉर्म जाइए कहलाती है हार्मोन, और ये जाके आगे फर्दर कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के काबिल होती है। ठीक हो गया। देन वी हैव अमाइनो एसिड हार्मोन, एंड अमाइनो एसिड हार्मोन कैटेकोलामाइन इज स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन प्री फॉर्म्ड वेसिकल। ये वेसिकल्स की फॉर्म में, वही वेसिकल क्या होते हैं, बबल्स की फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर्ड होता है। T3 एंड T4 अमाइनो एसिड हार्मोन प्रेजेंट इन थायरोग्लोबुलिन इन थायरॉयड वेसिकल। एग्जाम्पल के तौर पर उसने T3 और T4 की एग्जाम्पल दी है कि ये दो हार्मोन जो हैं ये बेसिकली स्टोर होते हैं इन द थायरोग्लोबुलिन थायरॉयड वेसिकल। थायरोग्लोबुलिन जो है वो स्ट्रक्चर हो गया, और वेसिकल्स क्या हो गई कि प्री फॉर्म्ड वेसिकल्स की फॉर्म में वहां पे ये स्टोर्ड है। स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन बेसिकली होते हैं कोलेस्ट्रॉल बेस्ड हार्मोन। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ऑलवेज गुड, इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन जो कि कोलेस्ट्रॉल बेस्ड है। ऊपर हमने प्रोटीन बेस्ड हार्मोन देख लिए, ठीक है, अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन जो T3 T4 आ गए, स्टीरॉयड हार्मोन जो हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल है, एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर स्टीरॉयड हार्मोन आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म, व्हेन स्टीरॉयड हार्मोन इज नीडेड दे कन्वर्ट इनटू हार्मोन। क्या हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल ने किसी एक दो चीजों के साथ बाइंड करके ना स्टीरॉयड हार्मोन बनाना होता है, तो वो दोनों तीनों चीजें जो भी रिक्वायर्ड हैं टू मेक अ स्टीरॉयड हार्मोन वो मौजूद होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे ही एक स्टीरॉयड हार्मोन की जरूरत होती है तो ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, जो भी कंपोनेंट है वो आपस में मिलेंगे और स्टीरॉयड हार्मोन बनाएंगे, स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज होगा और फिर फर्दर यूज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द वे स्टीरॉयड हार्मोन आर यूज। सही हो गया। तो डिफरेंस बिटवीन फैट सोलेबल हार्मोन एंड वाटर सोलेबल हार्मोन, ठीक है, रिसेप्टर, जो फैट सोलेबल हार्मोन है इनके रिसेप्टर होंगे इनसाइड सेल विद इन द न्यूक्लियस, इनके रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसमें दिया भी है स्टीरॉयड एंड थायरॉयड हार्मोन, जो थायरॉयड हार्मोन है और स्टीरॉयड हार्मोन है दे आर फैट सोलेबल, एंड देन वी हैव वाटर सोलेबल हार्मोन जो कि पेप्टाइड एंड प्रोटीन है। ठीक है, रिसेप्टर जो है फैट सोलेबल का वो इनसाइड द सेल होता है, वाटर सोलेबल का आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे होता है। क्यों? द रीजन बिहाइंड दिस इज के जो फैट सोलेबल हार्मोन है दैट कैन नॉट ट्रेवल फ्रीली इन द ब्लड, क्योंकि फैट सोलेबल है तो वो ब्लड का मोस्टली कंसेंट्रेशन वाटर होती है, ब्लड का मोस्ट पोर्शन वाटर होता है, इस वजह से फैट सोलेबल हार्मोन जो है वो ना तो ब्लड के अंदर ट्रेवल कर सकता है ना ही ब्लड के अंदर रिलीज किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि फैट सोलेबल हार्मोन को उठा के पहले सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाया जाता है, जब वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है देन उसके बाद, ठीक है, वहां उसको रिलीज किया जाता है, अंदर उसके रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है, सेल के अंदर मौजूद है, वहां वो रिसीव करके उसकी सिग्नलिंग होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको उसको आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन विद इन द ब्लड रिलीज कर दोगे तो वो कभी वो वहां पे रह ही नहीं सकता, सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ठीक है, जबकि वाटर सोलेबल हार्मोन इसके रिसेप्टर कहाँ मौजूद है, आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल पे, क्योंकि वाटर सोलेबल हार्मोन फ्रीली मूव कर सकते हैं विद इन द ब्लड, जबकि फैट सोलेबल को प्रोटीन के साथ बाइंड होके फिर जाना पड़ता है, स्पेसिफिक प्रोटीन कैरियर्स होते हैं जो कि फैट सोलेबल हार्मोन्स को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इंट्रा सेलुलर एक्शन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन, जो फैट सोलेबल हैं ये नई प्रोटीन के सिंथेसिस करवाते हैं, जो वाटर सोलेबल हैं प्रोड्यूस सेकेंडरी मैसेंजर लाइक CAM। देखो, अब क्योंकि फैट सोलेबल ऑलरेडी चला गया है विद इन द सेल तो वो आगे फर्दर अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, जो भी उसने करना है लाइक न्यू प्रोटीन के सिंथेसिस। आपको पता है बाहर से कोई भी सिग्नल आता है तो उसके केस में क्या बनता है, सिग्नल वही RNA DNA ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो भी हमने स्टेप्स पढ़े हुए, फाइनल स्टेप्स प्रोटीन होती हैं किसी भी, लाइक उसने फर्दर सिक्रेशन करवानी है, हार्मोन इटसेल्फ अ प्रोटीन, अगर वो ऐसा किसी ग्लैंड पे आगे एक्ट किया है, एक हार्मोन ने किसी और हार्मोन पे आगे इफेक्ट किया है, तो उस हार्मोन ने आगे कोई नया हार्मोन अगर वो बनाना है तो इन दैट केस वो भी यही चीज है। ठीक है, तो वो नए दोबारा से सिक्रेशन करवाएगा उसकी, मतलब एट द एंड इट इज हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स वाई प्रोटीन की न्यू सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन। वाइल इन वाटर सोलेबल हार्मोन उस केस में क्या है, क्योंकि उसके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाहर है, वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड की और ब्लड जो है वो वाटर का है। तो इस केस में अब क्या सिनेरियो होगा कि अब जो है वो चीजें डिफरेंट हो गई हैं, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन उसका रिसेप्टर होगा वाटर सोल्युबल, वो वहां आके सिग्नलिंग करेगा,
कल मैंने आपको जो है वो एक चीज पढ़ाई थी, सेकेंडरी मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर एंड सेकेंडरी मैसेंजर। तो प्राइमरी मैसेंजर के तौर पे ये हार्मोन काम करेगा अंदर जो है, जैसे ही ये आगे रिसेप्टर पे पॉइंट करेगा अंदर वाली साइड पे सेकेंडरी मॉलिक्यूल CAMP, कल मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये मौजूद होगा। तो ये अंदर फर्दर जो है सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम करेगा, एंड देन फर्दर ऑन जो भी टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी और जो भी आगे फर्दर प्रोसेसिंग होनी है विद इन द सेल वो इसके बाद होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो लेवल के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं, फैट सोलबल में अकेला ही है। स्टोरेज जो फैट सोलबल हार्मोन्स हैं ये साइटोप्लाज्म में और थायरॉइड में स्टोर होते हैं, जबकि जो वाटर सोलबल है ये प्रो हार्मोन की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं अलॉन्ग विद एक्टिवेटिंग एंजाइम। यानी कि ये सेल के अंदर ही स्टोर होंगे लेकिन प्रो हार्मोन की फॉर्म में। प्रो हार्मोन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, जिस तरह हमें पता है पेप्सिन इज एक्टिंग हार्मोन, पेप्सिन जो है वो असल में प्रोटीन डाइजेशन करवाता है, जबकि पेप्सिनोजिन जो है वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। तो रिलीज कौन होता है, पेप्सिनोजिन रिलीज होता है, ठीक है, और उसके इसके साथ उसका एक एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर कौन है, HCl, ठीक है, HCl ने उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना। तो ये जो है वेजिकल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, कौन, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन प्लस उसका एक्टिवेटर, ये दोनों स्टोर्ड है, दोनों इकट्ठे रिलीज होंगे और जाके वहां पर जाके वो एक्टिव होगा और फिर अपना काम परफॉर्म करेगा। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट नीड प्रोटीन कैरियर एक्सेप्ट एड्रिनल एंड्रोजन, एड्रिनल एंड्रोजन के अलावा जितने भी हार्मोन हैं दे ऑल नीड अ प्रोटीन कैरियर टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन साइड टू अदर विद इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर, क्योंकि ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। वाटर सोलेबल हार्मोन जो है फ्री होते हैं और अनबाउंडेड होते हैं, मतलब फ्रीली मूव कर सकते हैं प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि प्लाज्मा की अपनी कंसेंट्रेशन है जो है वो क्या है, वाटर की फॉर्म में। हाफ लाइफ लॉन्ग फ्रॉम आर टू जे, इंक्रीज इंक्रीज एफिनिटी टू बाइंड विद प्रोटीन कैरियर। आपको पता है हार्मोन्स क्योंकि बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते, फैट बॉडी से बेसिकली एक्सक्रीट आउट नहीं होता, तो फैट के होते हैं स्टोर्स, तो इस वजह से हार्मोन्स की जो फैट सोलेबल हार्मोन है दे हैव अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ, वाटर सोलेबल की शॉर्ट होती है, और ये क्योंकि ब्लड के अंदर मूव कर रहे हैं तो इस वजह से इनकी जो हाफ लाइफ है दैट इज शॉर्टर। हार्मोन सिक्रेशन टाइम ऑफ एक्शन, कुछ हार्मोन सिक्रेशन के हवाले से टाइम ऑफ एक्शन डिपेंड फैक्टर्स हैं, इंस्टेंट, सम हार्मोन लाइक एपिनेफ्रिन आर सिक्रेटेड एंड स्टार्ट एक्शन इन सेकंड आफ्टर स्टिमुलेशन। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जैसे ही रिलीज हुए फौरन से काम शुरू कर दिया, लाइक एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन जो है वो स्ट्रेस फॉर्म में, स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज होता है एंड इट स्टार्ट वेरी क्विकली। डिलेड कुछ होते हैं डिलेड, लाइक थायरोक्सिन ग्रोथ हार्मोन, अब ये मंथ्स भी ले सकते हैं फॉर फुल इफेक्ट, मतलब रिलीज हो गया अब ये एक सेल पे इनको अफेक्ट कर रहे हैं, इन्होंने आके सिग्नल कर दिया, अब वो सेल ग्रो कर रहा है, महीनों लग जाते हैं उस एक सेल को ग्रो करते हुए, बॉडी पार्ट्स आपके ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रोथ हार्मोन का जो सिग्नलिंग है जो उनका एक रिएक्शन है, टाइम टू एक्शन है, दैट कैन वेरी टिल मंथ्स, मतलब महीनों तक भी ये एक्शन जा सकता है। देन सिक्रीशंस अमाउंट, कितनी अमाउंट रिलीज होगी, कुछ हार्मोन हार्मोन सिक्रीशन हाईली लो, 10 से 6 ग्राम पर ml, ये ज्यादा लिखी हुई है आई थिंक, देखेंगे इसको, रेट ऑफ सिक्रीशन आर एक्सट्रीमली स्मॉल, μg/mg, माइक्रोग्राम से मिलीग्राम पर डे, ठीक है, बेसिकली ये कुछ माइक्रोग्राम से कुछ मिलीग्राम तक रिलीज हो सकते हैं पूरे दिन में, तो इनके अमाउंट भी कम होती है और इनका सिक्रीशन रेट भी जो है वो कम होता है, एक दिन में कुछ मिलीग्राम या कुछ माइक्रोग्राम जो है वो रिलीज होता है। कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रेशन दो तरह का होता है, नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक वो होगा जिसमें अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन गया है, प्रोडक्ट क्या है, हार्मोन का एक्शन की वजह से जो भी आगे फंक्शन हो रहा है अगर वो बहुत ज्यादा हो चुका है तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा और हार्मोन की सिक्रेशन को रोक देगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि द प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक हार्मोन, एक सेल, एक ग्लैंड जो है वो हार्मोन को रिलीज कर रहा है, हार्मोन आगे जाके अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, अगर वो एक्शन पूरा हो गया, लाइक ग्लूकागोन की मिसाल देते हैं, ठीक है, ग्लूकागोन रिलीज हुआ क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या था, लो था, तो ये ग्लूकागोन क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, रिलीज हुआ, रिलीज होके इसने एक्शन परफॉर्म किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कर दिया राइज। अब ये जब नॉर्मल हो गया ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो जब नॉर्मल से ऊपर जाने लगेगा तो ये ही जो एक्सेस ऑफ दैट प्रोडक्शन हो गई
ये नेगेटिवली फीडबैक देगी पीछे पेंक्रियाज को कि भाई बंद कर दो, अब इनको इन हार्मोन्स को मजीद प्रोड्यूस ना करो, ठीक है। तो इस प्रोडक्शन को रोक दिया जाएगा, और रोका कहाँ पे जाएगा, किस लेवल पे रोका जाएगा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स को, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन लेवल पे, यानी कि वो जो जीन्स आपको पता है डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए फिर आगे राइबोसोम को जाके कहते हैं कि भाई प्रोटीन बनाए, ठीक है। और प्रोटीन क्या है, वही हार्मोन, हार्मोन इज अ प्रोटीन, तो वो कहते हैं कि भाई हार्मोन बना दे। तो अब ये जो स्टेप है यहाँ से आके उसको जेनेटिक लेवल पे रोका जाएगा, जीन के लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन लेवल पे रोका जाएगा कि मजीद प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन ना की जाए, ठीक है। सेकेंड इज द केस इज द पॉजिटिव फीडबैक, जिसमें जितना ज्यादा स्टिमुलस जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ही ज्यादा वो उसको स्टिमुलेट करेगा, लाइक LH ऑक्सीटोसिन फॉलो पॉजिटिव फीडबैक। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसके अलावा ऑक्सीटोसिन है, दैट इज हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि बेसिकली जो जब जो बच्चे की सकलिंग एक्शन है, जो बच्चा खींच रहा है दूध को, वो पॉजिटिवली एक्ट करता है ऑन दिस हार्मोन, ताकि ये मजीद मिल्क की प्रोडक्शन एंड रिलीज करवा सके, ठीक है। तो जितना बच्चे का सकलिंग एक्शन ज्यादा उतना ही ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो मजीद स्टिमुलेट कर रहा है कि मजीद जो है वो मिल्क और प्रोडक्शन जो है वो की जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, कि जो फाइनल प्रोडक्ट है या जो फाइनल हार्मोन है वो अपने आप को या अपनी साइट ऑफ प्रोडक्शन को मजीद स्टिमुलेट करे कि और प्रोड्यूस करो और प्रोड्यूस करो, ठीक है। साइक्लिकल वेरिएशन, हॉर्मोन्स के अंदर साइक्लिकल वेरिएशन आती हैं, सीजनल चेंजेस, सीजन टू सीजन आपके अंदर हॉर्मोनल चेंजेस आती हैं। डेवलपमेंटल स्टेजेस, आप बच्चे हैं तो आपके कुछ हार्मोन स्पेसिफिक की रेशो ज्यादा होगी, कुछ हार्मोन्स की रेशो कम होती है, लाइक टेस्टोस्टेरोन बच्चों में कम होगा। डाइयूरनल डेली साइकिल, कुछ हार्मोन दिन में, आप जब सुबह सुबह उठते हो, कॉर्टिसोल का आपने नाम सुना होगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो कॉर्टिसोल है ना, वो आपने उसका नाम सुना होगा, कॉर्टिसोल इज अ बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। वो बॉडी को एक एमरजेंसी स्टेट में पुट कर देता है, ठीक है, कि भाई काम करना है, वो एक्टिव हो जाओ, ठीक है, एमरजेंसी सिचुएशन होती है। अब आपकी बॉडी में डेली कॉर्टिसोल एक टाइम है हाई होता है, उस टाइम दैट इज ब्रेकफास्ट टाइम, मॉर्निंग टाइम, ठीक है, 6 7 8 बजे वाला टाइम, ठीक है। अगर आपकी प्रॉपर रूटीन बनी हो तो दिस इज द टाइम जिसमें कॉर्टिसोल हाईली एक्टिव होता है, और इसी वजह से, क्योंकि आपको आपके बॉडी में होता है कि यार काम करना है काम करना है, इस वजह से इस टाइम में यू आर वेरी एक्टिव एट दैट पॉइंट, ठीक है। आप बहुत सारे काम बहुत जल्दी से कर लेते हो, यही बंदा जब 2 3 घंटे गुजरते हैं कॉर्टिसोल का लेवल डाउन होता है, ऑफिस में क्लास में बैठा सो रहा होता है, ठीक है, सुबह ये सुपर एक्टिव था। तो दिस इज द केस कि क्योंकि सुबह सुबह कॉर्टिसोल एक्टिव होता है, रिलीज होता है, उस वजह से सिनेरियो इस तरह होता है। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, वाटर सोलेबल हार्मोन जो है वो पेप्टाइड कोर्टिकोलामाइन, ये डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होते हैं, मैंने आपको अभी बता गया था, ठीक है। फैट सोलेबल हार्मोन जो है इन्हें प्रोटीन के साथ बाउंड होना पड़ता है, सिर्फ 10% से लेस जो है वो फ्री होते हैं, बाकी सारे के सारे जो है वो किसी न किसी प्रोटीन के साथ बाउंडेड फॉर्म में चल रहे होते हैं। और एक मैंने बताया एड्रीनल एंड्रोजन, वो हैं जो कि फ्रीली मूव करते हैं, दे डोंट नीड प्रोटीन कैरियर, बाकी तमाम के तमाम फैट सोलेबल हार्मोन्स नीड प्रोटीन कैरियर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। 99% थायरोक्सिन जो है वो बाउंडेड फॉर्म है, अब थायरोक्सिन इज अ हार्मोन जो कि थायरॉयड हार्मोन है, उसकी 99% फॉर्म बाउंडेड फॉर्म है, फ्री नहीं है, ठीक है, वो किसी न किसी प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ बाउंड करके मूव कर रही है। दिस बाउंडिंग विद प्रोटीन मेक दम बायोलॉजिकली इनएक्टिव एंड देयर डिक्रीज देयर रिमूवल फ्रॉम द ब्लड। अब जब ये प्रोटीन के साथ बाउंड होंगे फैट सोलेबल विटामिंस या जो थायरोक्सिन है, तो ये ब्लड के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन साइड टू द अदर, वहां मूव कर रहे हैं करी जाए, ठीक है, उन्हें बॉडी एक्सक्रीट नहीं करेगी क्योंकि वो बाउंडेड फॉर्म है। जैसे ही उनकी एक साइट ऑफ एक्शन मिलेगा कि भाई इस जगह पे काम करना है, प्रोटीन उनको रिलीज कर दे, प्रोटीन उनको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करवाएगी और उसके बाद रिलीज करवा देगी। जब वो रिलीज हो जाएगा तो उस केस में वो आगे फिर अपना फर्दर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो बॉडी इन्हें एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट वी हैव द लास्ट पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग हार्मोनल कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर हार्मोन की कितना लेवल होगा उसको कौन अफेक्ट करता है,
फर्स्ट वन इज रेट ऑफ हार्मोन सिक्रेशन इन टू द ब्लड, ब्लड के अंदर सिक्रेशन कितनी हो रही है, किस स्पीड पे हो रही है, ठीक है वो। एंड द मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट, मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट होता है कि बॉडी के अंदर से वो हार्मोन, क्योंकि हार्मोन जब अपना फंक्शन परफॉर्म कर देगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा वहाँ, ठीक है। ग्लूकागन जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है तो फिर ग्लूकागन वहां से उसकी एग्जिस्टेंस को खत्म किया जाता है, उसको कहते हैं क्लियरेंस, मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट, कि बॉडी जो है वो उस हार्मोन से जान बाद में छुड़ा कैसे रही है, किस रेट पे छुड़ा रही है, कितनी स्पीड से छुड़ा रही है, ठीक है। फॉर्मूला उसका क्या है, मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट का, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हार्मोन फ्रॉम द प्लाज्मा ओवर द कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मोन, कितनी कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मोन है और उसमें कितनी स्पीड से वो प्लाज्मा से गायब हो रहा है, मतलब उसका लेवल कितनी स्पीड से डाउन हो रहा है वो नोट करते हो, और टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मोन कितनी है वो आप नोट करते हो, तो यू गेट टू नो द मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट। दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक टाइप्स ऑफ हार्मोन, द स्ट्रक्चरिंग ऑफ सम डिफरेंस बिटवीन फैट फैट एंड वाटर सोलबल हार्मोन, सम वेरिएशन इन दैट, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, द कंट्रोलर कंट्रोल ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन, वी दीज आर द बेसिक नॉलेज। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, द सिग्नलिंग बिटवीन द सेल्स, ठीक है, डिफरेंट रिसेप्टर्स के थ्रू विद इन द सेल्स कैसे होती है, उन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और इन द व्हाट्सएप ग्रुप। यूजली यू डोंट, एक्चुअली यू डोंट आस्क, यू गाइज डोंट आस्क, बट आई हैव टू से दिस ऑन द डेली बेसिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, एंड दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।